गोपाल श्याम सिंह नाम के एक दुष्ट धनवान के पास माली का काम करता था। श्याम सिंह के पास एक बहुत ही बड़ा गार्डन था, जिसमें गोपाल सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी मोटर से हर दिन घास काटता है। साहब जी, मैं आज काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरी गाय के लिए चारा लेकर आने के लिए जाना है मुझे। अगर तुम आज छुट्टी लोगे तो कल तक ये गार्डन जंगल में बदल जाएगा। साहब जी, मैं हर रोज बिना रुके इस घास को काटता हूँ। अगले दिन सुबह तक फिर से वो घास कैसे बढ़ जाती है? मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना सुन लो कि ये मेरे दुष्ट कामों का परिणाम है। एक जादूगरनी का शाप है इस पर। इस घास को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहते हुए श्याम सिंह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोपाल भी उसकी बात माने बिना अपनी गाय के लिए चारा खरीदने के लिए जाता है। ऐसे गोपाल अपने काम से छुट्टी ले लेता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी गाय के लिए चारा नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह गोपाल अपनी गाय के साथ श्याम सिंह के गार्डन में आता है। वहाँ की घास सच में 2 से 3 फुट तक भर गई थी। वो देखकर गोपाल हैरान हो जाता है। इसका मतलब कल साहब जी जो कह रहे थे वो सच था। ये कहते हुए गोपाल अपनी घास काटने वाली मशीन उठाकर घास काटने लगता है और दूसरी तरफ एक किनारे पर ठहर कर उसकी गाय घास खा रही थी। वो घास इतनी ज्यादा था कि चलते चलते मशीन ही खराब हो जाती है। बिना मशीन के उस घास को काटना नामुमकिन था, इसलिए गोपाल उस टूटी हुई मशीन को लेकर श्याम सिंह के पास जाता है। वो देखकर श्याम सिंह, इसे क्या हो गया? कल तक तो ठीक ही थी ना? हाँ साहब जी, ये मशीन कल तक तो ठीक ही थी, लेकिन कल मैं काम पर नहीं आया था, इसीलिए घास काफी बढ़ गई थी और उसे काटते काटते मशीन खराब हो गई। ऐसी बात है तो ये मशीन मेरे पास क्यों लेकर आए हो? ये तुम्हारी गलती है, इसे ठीक करवा लो या अपने मुंह से काटो। अगर काम बंद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो 1 साल की तनख्वाह एडवांस में दी थी उसे लौटा कर चले जाओ। ऐसे ही कोई भी उसके पास काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्याम सिंह ने बड़ी चालाकी से गोपाल को 1 साल की तनख्वाह पहले ही देती थी। अब वो उतने सारे पैसे तो नहीं लौटा सकता था, इसलिए चुपचाप काम करने के लिए चला जाता है गोपाल। उस गार्डन में जाकर देखा तो दोपहर का समय था और गोपाल की गाय ने गार्डन की आधी घास खा ली थी। वो देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। कहीं मेरी गाय बीमार तो नहीं हो गई है? आधे गार्डन की घास खाने के बाद भी ये ठीक ठाक ही कड़ी है। ये कहते हुए गोपाल अपनी गाय को एक पेड़ से बांधकर बाकी की घास अपने हाथों से काटकर शाम को घर लौटते वक्त गाय को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर भी उसका चेकअप करने के बाद कहते हैं कि सब ठीक ठाक था। गोपाल को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो चुपचाप अपनी गाय को लेकर घर जाता है और अगले दिन से हर रोज अपनी गाय को भी साथ में काम पर लेकर जाता है और उस गाय को एक फ्रेम से दोनों तरफ घास काटने वाला ब्लेड्स लगा देता है। वो गाय एक तरफ से घास खाते हुए जा रही थी और उसके दोनों तरफ से बाकी की घास काटती हुई जा रही थी। कितना खाने पर भी वो घास जादुई होने की वजह से गाय सारा घास हजम कर रही थी। इस तरह से गोपाल का घंटों का काम मिनटों में हो रहा था। इस तरह से वो अपना बाकी का समय दूसरा काम करने में लगा रहा था। वो देखकर श्याम सिंह हैरान हो जाता है और गोपाल से ऐसा कैसे कर रहा है ये बात पूछता है। तब गोपाल, आपने तो मुझे इस श्रापित गार्डन में फंसा दिया। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था,
इसीलिए मैंने उस जादूगरनी से मदद मांगकर अपने गाय को ग्रास कटर बना दिया है। अगर आप इसमें भी कोई धोखेबाज ढूंढ लेंगे तो उस जादूगरनी ने कहा कि वो आपको गाय भी कर देगी। ऐसे गोपाल चालाक श्याम सिंह से चालाकी दिखाकर अपनी ग्रास कटर गाय के साथ सुकून से रहने लगता है। लालपुर नाम के एक छोटे से गांव में बहुत बड़ा तालाब है जो लालपुर वालों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन उस तालाब को महिंद्रा नाम का एक धनवान अपना हक जमाकर बैठा हुआ है। गंगू, नया साल आ गया है, अब हमें इस पुराने दामों के बोर्ड को हटाकर नए दामों वाला बोर्ड लगा देना चाहिए। पुराने दाम ही काफी ज्यादा है कहकर आधे से ज्यादा लोग गांव के बाहर से पानी लेकर आ रहे हैं। हम दाम और बढ़ा देंगे तो कोई भटक कर भी नहीं देखेगा इस तालाब के ओर। किसी के आने से या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जितना कह रहा हूँ तुम उतना करो बस। ऐसा है महिंद्रा का व्यवहार। उस गांव में जिसके पास अच्छे खासे पैसे थे वो पानी महिंद्रा से ही लेते हैं, और जिनके पास उतने पैसे नहीं है वो अपनी ट्रैक्टर्स में भरकर गांव के बाहर से पानी लेकर आते हैं। उसमें अनमोल नाम का एक गरीब किसान भी रहता है जिसके पास ना तो पैसे है और ना ही ट्रैक्टर है। वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए तो थोड़ा सा पानी गांव के बाहर से उठाकर लेकर आता है, लेकिन उसे खेती करने के लिए जो पानी लगता है वो दिन रात मेहनत करने पर भी अपने छोटे से खेत के 1% के लिए भी पानी नहीं लेकर आ पाता था। अनमोल अपने खेत में ऐसी मेहनत करता था कि उसे देखकर कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाता था। मैं आपसे कह कर थक गई हूँ, उस खेती के काम को छोड़ दो, कोई और काम कर लो। साल भर में सबसे ज्यादा मेहनत आप ही करते हो और सबसे कम फसल आपकी ही होती है, वो फसल हमारे घर के लिए भी काफी नहीं होती है। मैं खेती तो नहीं छोड़ सकता हूँ पूजा, लेकिन हमारे पास जो पैसे है वो लेकर शहर जा रहा हूँ मैं। जब वापस लौट कर आऊँगा तो किसी अच्छी खबर के साथ ही आऊँगा। मुझे भी गांव में कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए दोनों पति पत्नी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अनमोल क्या सोचकर शहर गया था ये बात तो वही जानता था, लेकिन पूजा महिंद्रा के पास थोड़ी सी मदद मांगने के लिए गई थी। पिताजी, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं। आप हमें पसंद नहीं करते हो, इसीलिए उस तालाब के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हो। बिना पैसों के पानी तो क्या, पानी की बूंद भी नहीं दूंगा। और ये पिताजी कहकर मेरी बेटी बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे तभी रिश्ता तोड़ लिया था जब तुम्हें इस घर के नौकर गंगू के बेटे से शादी की थी। मैं आपसे कोई रिश्ता जुटाने के लिए नहीं आई हूँ पिताजी, मैं गांव की एक आम नागरिक की तरह अपने पति को मदद करने के लिए आपसे कुछ देर के लिए ट्रैक्टर लेने के लिए आई थी। लगता है आप वो भी नहीं देंगे। सही लगता है तुम्हें, अब जाओ यहाँ से और हमारे मालिक को परेशान करना बंद करो। पूजा चुपचाप घर चली जाती है और अपने पति के आने का इंतजार करती है। शाम को अनमोल अपनी बैलगाड़ी के पीछे एक वाटर टैंक बांधकर उसमें देर सारे पानी भरकर घर की ओर लौट कर आता है। ये क्या है जी, आपने अपनी बैलगाड़ी के साथ ये क्या किया है? ये हमारे खेत में पानी डालने वाले यंत्र है, इसे खुद तुम्हारे पति ना यानी मैंने ही बनाया है। कल देखो इसका कमाल।
अनमोल ने अपनी पत्नी से जैसे वादा किया था ठीक वैसे ही वो शाम को अच्छी खबर के साथ ही घर लौट कर आता है। अगले दिन सुबह अनमोल अपनी बैलगाड़ी वाटर टैंक से उसके खेत के हर पौधे को जितना पानी चाहिए ठीक उतना ही दे रहा था, ना कम ना ज्यादा। उस बैलगाड़ी वाटर टैंक की मदद से गांव के बाहर से मुफ्त में पानी लेकर आना थोड़ा आसान भी हो गया था। कुछ दिनों बाद फसल काटने का समय आता है। जिनके पास 10-20 एकड़ खेत है उनकी फसल भी उतनी नहीं हुई थी जितनी की इस बार अनमोल के छोटे से खेत में हुई थी। वो देखकर सारे किसान हैरान रह जाते हैं और सबके लिए भी एक एक वैसे वाला यंत्र बनाने के लिए कहते हैं। ऐसे अनमोल बाकी किसानों के लिए भी वो कब वाटर टैंक बनाने का काम करता है और इधर अपने खेत में भी काम करता है। ऐसे एक साल में अनमोल और पूजा भी धनवानों की लिस्ट में आ जाते हैं और सारे गांव के लिए और बिल्कुल उतना ही तालाब बनवाते हैं। अनमोल और पूजा दोनों खुशी से रहने लगते हैं। दोनों के पिता महिंद्रा और गंगू उन्हें बस देखते ही रह जाते हैं।